अलवर ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी टीकाराम जूली ने सोमवार को नामांकन भरा। इस दौरान कटीघाटी स्थित एक मैरिज होम में जन समर्थन सभा का भी आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर भारी संख्या में अलवर ग्रामीण से प्रत्याशी टीकाराम जूली के समर्थकों की भीड़ नजर आई। इस मौके पर अनेकों भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली ने माला पहनाकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई। मंच से संबोधित करते हुए भंवर जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर जमकर आरोप लगाए। वहीं गहलोत सरकार की योजनाओं को फिर आमजन के बीच रखते हुए पुनः टीकाराम जूली ने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। और मैं कहना चाहूंगा, मैंने आपके काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। कोरोना के समय में दुनिया मौत मार रही थी घर में बैठ के, और टीकाराम जूली आपके यहाँ पे सैनिटाइजर भेज रहा था, मास्क बांट रहा था, मजदूरों को ट्रेन में बैठा रहा था, हॉस्पिटल खुलवा रहा था, हॉस्पिटल जाके चेक कर रहा था, पूरी पूरी रात किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन, किसी को टोसिलिजुमेब इंजेक्शन, किसी को ऑक्सीजन, किसी को बेड दिलवा रहा था। मैं तो उस समय में साथियों सोया नहीं, क्योंकि मेरा अंदर से जो मेरा दिल है वो मेरे से कह रहा था कि भगवान ने तेरे को मौका दिया है सेवा करने के लिए, तो तू सेवा कर। तो मैं वो सेवा की है और ईमानदारी से सेवा की है। मैंने एक चीज और देखी है भंवर साहब, आदमी जब मंत्री बनता है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद में काम इतने हो जाते हैं कि वो अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाते। मेरे बच्चे कब ग्रेजुएशन कर लिया मेरे को पता नहीं। ये तो धर्मपत्नी बैठी है जो घर परिवार को संभाल लेती है, और भाई मैं ना हूं तो तुम्हारी भी हुकम्मत जाने वाली पर ये भी पहुंचती है। मेरा भाई पहुंचता है, परिवार पहुंचता है, पूरा परिवार आपकी सेवा में लगा हुआ है। अब एक एक गांव, एक एक घर, एक एक ढाणी जाने का काम आप सब लोगों का है, जनता का। मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जिन साथियों के काम रहे हैं, कार्यकर्ताओं के काम रहे हैं, गांव के ग्राम पंचायतों के जो काम रहे, टीकाराम जूली पूरा करेगा। आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। टीकाराम जूली, और एक एक गलती की माफी और चाहूंगा। मैंने सबको एक समान समझा और मैंने गधे घोड़ों की एक साथ गिनती कर दी, उसकी भी माफी चाहूंगा। अगली बार गधे घोड़े में अंतर होगा। जो लोग मतलबी है, धोखेबाज है, चालबाज है, जनता का फायदा उठाते हैं, ऐसे लोगों को टीकाराम जूली के यहां एंट्री नहीं मिलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं कहना चाहूंगा, ये चुनाव आपका है। मैं फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूं आप लोगों, मैं फिर कह रहा हूं, ये चुनाव आपका है, आपको संभालना है। मेरे उसकी तरह झूठ नहीं बोल सकता, उसकी तरह मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, उसकी तरह घमंड अहंकार मेरे अंदर नहीं है। मैंने हमेशा झुक के आपकी टहल बजाई। मेरे को आप आशीर्वाद दो, आज के इस अभियान में सफल करो, और आज से ये 20 दिन बचा है भाई, 19 ही है, ये 19 दिन मेरे को दे दो, ये 19 दिन सिर्फ मेरे को दे दो, पूरी जिंदगी टीकाराम जूली की आप ले लो। ये पूरी बस्ती से यही निवेदन है। फार्म भरने जाऊंगा, भंवर साहब भी बोलेंगे, कलेक्ट्रेट तक चलना है सबको, एक भी आदमी रुके नहीं, और नाचते गाते ढोल बजाते, जिस प्रकार से आपको अपना बेटा अच्छा लगता है मैं जाता हूं, जिस प्रकार से आप स्वागत कर रहे हो, इसी प्रकार से आज का ये जो दिन आप देंगे, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा। आदरणीय भंवर साहब हमारे नेता है, और भंवर जितेंद्र सिंह जी का जो स्थान कांग्रेस पार्टी के अंदर है, राहुल गांधी जी के पास है, उस स्थान को अपने को मजबूत करना है,
अलवर ग्रामीण ही नहीं, पूरे अलवर जिले में, पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां भी आपकी यारी रिश्तेदारी मिलन सारी जानकारी है, सब जगह कांग्रेस पार्टी की आप सबको मदद करनी है। ये भी मैं आपसे अपील करता हूं, जिस सरकार ने गरीब का चूल्हा जलाया है, सिलेंडर दिया है, गेहूं दिया है, मसाले दिए हैं, दाल दी है, तेल दिया है, पेंशन दी है, इलाज दिया है, पशु का बीमा दिया है, पालनहार दिया है, बिजली दी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी है, उस सरकार को लेके आना है। झोली उठ रहा हूं सबके सामने, ये झोली बंधो, ये झोली बंधो, इस मौके पर वहां मौजूद उनके समर्थकों ने भी जूली की जीत का दावा किया। क्या उम्मीद है? वो अच्छा चुनाव जीतेंगे, बहुत बढ़िया मतों से चुनाव जीतेंगे। क्या खास बात है उनके अंदर? खास बात यह है कि सबसे मिलजुल कर रहते हैं, किसी को कोई बुराई नहीं देते, उनको कोई भेदभाव नहीं है, जातिवाद का कोई लेना देना नहीं है, वो सभी तरह से अच्छे, उससे बढ़िया कोई आदमी नहीं है। नहीं, उन्होंने कोई काम भी कराया? काम बहुत काम कराए, बहुत विकास, सड़कों का जो भी जितने भी काम कराए, वो अशोक गहलोत जी ने सारे काम कराए, बढ़िया कराए, यही सरकार रिपीट होगी, दोबारा सरकार रिपीट होगी। सामने जयराम जाटव है, जयराम जाटव से क्या लेना देना, उसका कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जीत जाएंगे जूली जी? अजी बहुत अच्छे मतों से, बहुत ज्यादा मतों से, बहुत। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप? सर फील्ड में डोला है, हम 50,000 से जूली जीत रहा है। क्या जूली जी क्यों अच्छे लग रहे? जूली हमको दिन को लाइट देता है, सारी काम सुविधा अच्छा करता है जूली जी। हाँ, क्या कहना चाहोगे? जूली जी ने क्या किया तुम्हारे क्षेत्र? बहुत अच्छा काम किया, सारा बढ़िया काम किया, रोड से सब व्यवस्था बढ़िया कर रही है। वहाँ पर एक दूसरे जो प्रत्याशी है जयराम जाटव है, बहुत मजबूत आदमी है। यहाँ के अंदर जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, इसलिए वोट दे रहे हैं इसके लिए। हम जूली जी के लिए अच्छी वोट दे रहा, जनता अच्छी खुश से काम कराया, यानी जूली जी ने बहुत अच्छा काम करा और ज्यादा जनता खुश से, और दोबारा जीतो पड़ो जूली जी, बहुत विकास, पानी सड़क सारा मुद्दा, जो जितनी भी योजना, इन मुद्दों पे जीतो पड़ो, सारा काम अच्छा करो। हमारे साहब मंत्री साहब ने बहुत बढ़िया काम करा, भारी बहुमत से जीतने की कोशिश करेंगे, और मालिक चाहे तो मंत्री साहब जीतेगा अच्छी वजह से। अच्छा, मेरे समाज की नाराजगी दूर हो गई, सारे समाज आज के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट दे। सुबह समाज नाराजगी दूर है, बहुत राजी हैं, और जो सारा वोट, बहुत 36 बिरादरी अच्छी वोट दे रही है। अच्छा, पूरी समाज से कोई मतलब नहीं है, ताल्लुकात नहीं है समाज से, सभी लोग खुश है, विकास हुआ है, काम किया है उन्होंने, बस काम के दम पर वोट है। क्या जूली आज नामांकन भर रहे हैं, क्या उम्मीद है आप लोगों को? हमारे को पूरी उम्मीद है, हम इसको पूरी कोशिश करेंगे इसको जिताने के लिए। इस जैसा कोई मंत्री नहीं है, इस जैसा कोई आदमी नहीं है, छोटा जाता उसको भी पूरी इज्जत देता है, बड़ा जाता उसको भी, बूढ़ा जाता उसको भी, सबका समान एक जैसा समझा, और हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे हमारा जूली आए, हम इसको वोट देंगे और दबाएंगे, जितने भी हमारे से जोर लगे, हम जोर से भी इनसे पूरे सहयोग देंगे, जीत जाएंगे जूली। 50,000 वोट से जीतेंगे। क्या खास बात है उनमें? बहुत नरम दिल आदमी है, हर सबसे प्रेम पे मिलते हैं, सबसे सबको इज्जत देते हैं, बहुत काम कराए, विकास कराए उन्होंने। भाजपा के मजबूत आदमी है जयराम जाटव? बिल्कुल नहीं है, वो तो किसी को पूछते ही नहीं, वो तो बिल्कुल अपने अकड़ में रहते हैं, वो ये नरम दिल है, वो नहीं पूछते। चलिए, क्या कहना चाहोगे वीर जी? तुम बहुत बढ़िया है, जल सैलाब है, ग्रामीण क्षेत्र का टीकाराम जूली जी की बहुत अच्छी जीत है हमारी, और सिख समाज भी हमारा सारा साथ लग चुका है। हाँ, पूरी तरीके से, तह दिल से बहुत बढ़िया जीत है मंत्री जी की, यही कहना चाहूँगा। काम करें, विकास का है, विकास का। पानी सड़क सारा मुद्दा, जो जितनी भी योजना, इन मुद्दों पर जीतो पड़ो, सारा काम अच्छा करो। हमारे साहब मंत्री साहब ने बहुत बढ़िया काम करा, भारी बहुमत से जीतने की कोशिश करेंगे, और मालिक चाहे तो मंत्री साहब जीतेगा अच्छी वजह से। अच्छा, मेरे समाज की नाराजगी दूर हो गई, सारे समाज आज के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट दिया। सभी समाज नाराजगी दूर है, बहुत राजी हैं, और जो सारा वोट, बहुत 36 बिरादरी अच्छी वोट दे रही है। पूरी समाज
समाज से कोई मतलब नहीं है, ताल्लुकात नहीं है समाज से, सभी लोग खुश है, विकास हुआ है, काम किया है उन्होंने, बस काम के दम पर वोट है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल है यहाँ जूली जी का? हमारे माननीय टीकाराम जूली जी का माहौल ऐसा है राजस्थान में कहीं भी नहीं है देखने का, इतना भयंकर माहौल है। टीकाराम जूली का व्यवहार, कार्य व्यवहार इनका, जो कार्य किए इन्होंने जनता में, जो इन्होंने ग्रामीण में 70 साल में जो काम किए वो कभी नहीं हुए, उस कार्य की प्रशंसा हो रही है। इन्होंने हर आदमी के जवान पे टीका नाम जूनी है, हर बच्चे के टीका नाम जूनी है, बेव समाज, जाट समाज, गुजर समाज और ऐसी समाज अब की बार बहुत ज्यादा समर्थन से इनके साथ लगा हुआ है, बहुत बड़ी जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। टीका राम जूनी जिंदाबाद, टीका राम जूनी जिंदाबाद। क्या उम्मीद है आप लोगों को? हमारे को पूरी मेहनत है, हम इसको पूरी कोशिश करेंगे इसको जिताने के लिए। इस जैसा कोई मंत्री नहीं है, इस जैसा कोई आदमी नहीं है, छोटा जाता उसको भी पूरी इज्जत देता है, बड़ा जाता उसको भी, बूढ़ा जाता उसको भी, सबका समान एक जैसा समझा। और हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले टाइम पे हमारा जूली आए, हम इसको वोट देंगे और दबाएंगे, जितने भी हमारे से जोर लगे हम जोर से भी इनसे पूरे सहयोग देंगे, जीत जाएंगे जूली। 50,000 वोट से जीतेंगे। क्या खास बात है उनमें? बहुत नरम दिल आदमी है, हर सबसे प्रेम पे मिलते हैं, सबसे सबको इज्जत देते हैं, बहुत काम कराए हैं, विकास कराए हैं उन्होंने। भाजपा के मजबूत आदमी है जयराम? बिल्कुल नहीं है, वो तो किसी को पूछते ही नहीं, वो तो बिल्कुल अपने अखड़ वाले रहते हैं, वो ये नरम दिल है, वो नहीं पूछते। चलिए, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया है, जल सैलाब है ग्रामीण क्षेत्र का, टीकाराम जूली जी की बहुत अच्छी जीत है हमारी, और सिख समाज भी हमारा सारा साथ लग चुका है। हाँ, पूरी तरीके से तहे दिल से बहुत बढ़िया जीत है मंत्री जी की, यही कहना चाहूँगा। टीकाराम जूली वोट देने, टीकाराम जूली देने, बढ़िया बढ़िया काम करा हमने। क्या काम किया साहब? पूरा राजस्थान में पूरा काम बढ़िया करा मंत्री ने। आपके क्षेत्र में काम करा है? हाँ बिल्कुल करा है। तो जीतेंगे दोबारा? बिल्कुल जीतेंगे। बहुत अच्छा जूली राम जी, जूली बहुत अच्छे हैं, सबसे आगे जूली जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी है, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको वहां घुटन हो रही होगी, आपका जो एक सिद्धांत है, जो आपके दिल में आवाज है, वो कहीं ना कहीं दबाई जा रही होगी। आपका आज कांग्रेस में आने से कांग्रेस को मजबूती मिली है, और आपको लगेगा कि आपकी जो आवाज है वो सरकार सुनती है, वो आपका एमएलए सुनता है। जूली जी के बारे में तो मुझे कहने की ज्यादा जरूरत है नहीं, आप उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो आपका बेटा है, वो आपका भाई है, और उसने जिस तरह की एक राजनीति करी है, एक राजनीति का बदलाव लेके आए। मुझे याद है जब जूली जी ने पहली बार कांग्रेस पार्टी में आए, वो जिला प्रमुख जी थे, पूरे अलवर जिले के अंदर घूम घूम कर गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर गरीबों की आवाज सुनते थे। उसी दिन मुझे लग गया था कि ये एक हीरा है, ये एक मेहनती व्यक्ति है, और ये बहुत आगे लंबा जाएगा। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो टीकाराम जूनी की जो राजनीतिक पहचान है, जो एक आपने पौधा लगाया था, और उस पौधे को आज राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाने के लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। अलवर ग्रामीण ही नहीं, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर जो भी योजनाएं हैं, चाहे हमारे गरीबों की पेंशन योजना है, खाद्य सुरक्षा योजनाएं हैं, विकलांगों के लिए योजनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी योजनाएं राजस्थान के अंदर, जो एक गरीब व्यक्ति के ऊपर, उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान लाने की जो योजना है, वो टीकाराम जूली जी ने कह दी। आपका जूली जी सिर्फ यही अलवर ग्रामीण ही नहीं, लेकिन ऐसा हर गरीब व्यक्ति, ऐसा हर
असहाय जो व्यक्ति है पूरे प्रदेश के अंदर, इस चुनाव में आपको सब आशीर्वाद दे रहे हैं। चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो पाली हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो बूंदी हो, चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो मेवाड़ हो, चाहे वो मारवाड़ हो, चाहे वो भरतपुर हो और चाहे वो हमारा अलवर जिला हो, आप सब लोगों का उनका आशीर्वाद है।